सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। लाश 5 टुकड़ों में पाई गई है। साफ जाहिर है कि कत्ल करने के बाद भी कातिल का जुनून कम नहीं हुआ और इसीलिए उसने लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए। कोई बहुत ही जुनूनी कातिल लगता है, कोई सर फिर हथियारा श्रीवास्तव। लेकिन कातिल अंदर आया कैसे? सर, जिस वक्त हम यहां पहुंचे उस वक्त दरवाजा बंद था। दैट मीन्स कि कातिल के पास दरवाजे की चाबी थी। या दरवाजा पहले से ही खुला था। बाय द वे, लड़की के बारे में कुछ पता चला? जी, ये कुछ कागजात हमें मिले हैं, इनसे ये पता चलता है कि इस लड़की का नाम अंजना था, और ये भी पता चलता है कि एक साल पहले वो सुवर्णा एंटरप्राइजेस के लिए काम किया करती थी। जी हाँ, वो यही काम करती थी। करीबन साल भर पहले मैंने उसे अपॉइंट किया था, लेकिन मुश्किल से 3 महीने उसने यहाँ जॉब किया और उसके बाद उसने शादी कर ली। ओह आई सी, यानी वो शादीशुदा थी। Thank you.
आई सी, तो आपको अंजना ने यहां भेजा है। फरमाइए, क्या पूछना चाहती है वो? वो कुछ नहीं चाहती मिस्टर राज, बल्कि मैं चाहता हूं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं, और ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आप बिल्कुल ईमानदारी से उसके आंसर दे दें। जी पूछिए। आपकी लव मैरिज हुई थी ना? जी हाँ हुई थी। तो मिस्टर राज, ऐसा क्या हो गया कि नौबत तलाक तक की आ गई? ये तो आप उसी से पूछे तो अच्छा होगा। मैं तो खुद हैरान हूं। मैं कंपनी के काम से एक महीने के लिए बाहर का गया कि उसने मुझ पर बेवफाई के इल्जाम लगाने शुरू कर दिए। रोज किसी ना किसी बात पर वो मुझसे झगड़ा करती, और इसी तरह झगड़े बढ़ते बढ़ते बात हाथापाई तक आ पहुंची। और एक दिन एक झगड़े के बाद वो घर छोड़कर चली गई। मिस्टर राज, क्या ये सच है कि वो आपको तलाक देने के लिए तैयार नहीं? जी हाँ, वो चाहती है कि मैं उसके सामने जाकर नाक रगड़ूं, उसके हाथ पैर जोड़कर उसको मना कर वापस लेकर। लेकिन मैं ऐसा क्यों करूं? मेरे वकील ने मुझसे कहा कि मैं उसे तलाक का नोटिस भिजवा दूं, सो मैंने भिजवा दिया। मिस्टर राज, आपको कितना अरसा हो गया अलग रहते हुए? जी, 2 महीने। और इन सिर्फ 2 महीनों में आपने तलाक लेने का फैसला कर लिया? मिस्टर राज, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी जिंदगी में सचमुच कोई लड़की आ गई? सो व्हाट, अगर कोई दूसरी लड़की मेरी जिंदगी में आ भी गई हो तो उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है राज बाबू, बहुत फर्क पड़ता है। तलाक का प्रोसीजर बहुत लंबा होता है, और ऐसे में पति छुटकारा पाने के लिए कोई भी रास्ता अख्तियार कर सकता है। ओह आई सी, तो अंजना ने यह रिपोर्ट लिखवाई है कि उसे मुझसे जान का खतरा है। रिपोर्ट नहीं लिखाई उसने मिस्टर राज, रिपोर्ट नहीं लिखाई, क्योंकि अब उसकी जान को कोई खतरा नहीं। क्या मतलब? शी इज डेड, वो मर चुकी। क्या ये कैसे हो सकता है? लेकिन कल शाम को तो वो यहां ही थी इंस्पेक्टर। और कल रात को किसी ने उसका बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया, तेज अवसार से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। ओह माय गॉड, माय गॉड, लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इंस्पेक्टर, ये काम जरूर किसी वैशी दरिंदे का होगा। आप शायद बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, काम किसी जुनूनी कातिल का है, और वो कोई भी हो सकता है। ये कातिल कोई भी हो सकता है। बाय द वे, आप ये बताइए कि कल शाम आप कहाँ थे? जी, मैं कल 8 बजे के बाद अपने घर पर ही था। टेंशन की वजह से एक आध पैक लेकर मैं सो गया था। कहीं आप मुझ पर तो शक नहीं कर रहे इंस्पेक्टर? शक करना हमारा पेशा है राजबाबू। बहरहाल, आप पुलिस स्टेशन आकर अपना बयान रिकॉर्ड करवा दीजिएगा। फिलहाल के लिए गुड बाय। बात क्या है? इस इंस्पेक्टर को रात से क्या काम हो सकता है? मुझे क्या पता। अरे, तुझे कैसे पता नहीं है? तुझे तो पता होना चाहिए।
आजकल तू ही तो राज की हमदम बनी हुई है। क्या किस्मत पाई है तुमने, ऑफिस की हर लड़की राज पर जान देने को तैयार है, लेकिन वो तुम पे जान लुटा रहा है। लकी गर्ल। लो राज आ गया। क्या बात है राज, क्या हुआ, ये पुलिस क्यों आई थी? किसी ने अंजना का बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया। क्या क्या, कब हुआ ये? कुछ पता चला किसने किया? नहीं बोल, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भला अंजना का कत्ल करके किसी को क्या मिल सकता है? तुम फिक्र क्यों करते, जो हुआ सो हुआ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। उधर भाग गया, उसके हाथ में चाकू है, उसने लड़की को मार डाला। इंस्पेक्टर भरत को फॉरवर्ड इन्फॉर्म करो। कातिल हमारे सामने इसी कंपाउंड में गया है। इसी कंपाउंड में गया है? इस कंपाउंड से निकलने का और कोई रास्ता तो नहीं? Are you sure? I'm very much sure, sir. कातिल अभी भी इसी कंपाउंड में होगा। Sure, तो हमें हर फ्लैट की तलाशी लेनी पड़ेगी। तुम लोग कुछ लोग जा रहे हैं ना, कंपाउंड में नजर रखना। ओके शिवा, तो चलो मेरे साथ, कम ऑन। इंस्पेक्टर भारत, आप? Excuse
दरअसल बात यह कि वो जुनूनी कातिल एक लड़की को बड़ी बेदर्दी से मार के इसी तरफ भागा है और हमें पूरा शक है कि इसी बिल्डिंग में आया, हम सबकी तलाशी ले रहे हैं। आई एम सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ये वो कोट है और इस छुरी पे खून लगा हुआ है। है कोई जवाब इसका? ये क्या मजाक है इंस्पेक्टर, ये सब चीजें मेरे घर में कैसे आई मैं नहीं जानता। ये सवाल मुझे आपसे करना चाहिए, जवाब है कोई इसका? देखिए इंस्पेक्टर, मैं सच कह रहा हूं, मैं नहीं जानता ये चीजें कहां से आई। मैं तो चुपचाप बेखबर अपने घर में सो रहा था इंस्पेक्टर। देखिए मुझे लगता है ये जरूर किसी की मेरे खिलाफ साजिश है, कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है इंस्पेक्टर। बहुत अच्छे, तो आप ये कहना चाहते हैं कि किसी ने आपके घर में ये चीजें प्लांट की और हवा में गायब हो गए, क्योंकि आपका दरवाजा तो बंद है, ना कोई अंदर आ सकता ना बाहर जा सकता है। मैं सच कह रहा हूं इंस्पेक्टर, ये किसी की साजिश है मुझे फंसाने के लिए, प्लीज मेरी बात का विश्वास कीजिए। पुलिस स्टेशन चल के बातें करते हैं। श्रीवास्तव अंदर लो इसे। मैं कुछ नहीं जानता, मैंने किसी का खून नहीं किया। झूठ बोल रहा हो तुम। सबसे पहले तुमने अपनी बीवी से पीछा छुटाने के लिए उसका खून किया मिस्टर राज मल्होत्रा। उसके बाद जब तुम्हारी माशूका सुनीता ने तुम्हें खूनी जानकर तुम्हें ठुकरा दिया तो तुमने उसका भी खून कर दिया। नहीं इंस्पेक्टर, ये झूठ है। मैंने किसी का खून नहीं किया इंस्पेक्टर, मेरी बात का यकीन करो। क्यों अपने जिस्म को इतनी ज्यादा तकलीफ दे रहे हो मिस्टर राज मल्होत्रा? तुम्हारे खिलाफ सबूत हमारे पास है, अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि चुपचाप अपना जुर्म कबूल कर लो, वरना तुम चाहे मेरी जान ले लो इंस्पेक्टर, लेकिन सच तो ये है कि मुझे फंसाया जा रहा है इंस्पेक्टर। मेरी बात का यकीन करो, मैंने किसी का खून नहीं किया। सारी रात इससे पूछताछ की, मगर ये अपना जुर्म कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। कहीं सचमुच ये बेकसूर तो नहीं है? श्रीवास्तव, अगर ये बेकसूर है तो इसके घर से वो खून में सना ओवरकोट और खंजर कैसे मिला? और अगर कातिल ने इसके घर में वो चीजें प्लांट की हैं तो कातिल के पास दरवाजे की चाबी कहां से आई? और इंस्पेक्टर भारत स्पीकिंग। हेलो इंस्पेक्टर भारत, मैं जेबा बोल रही हूँ सुवर्णा एंटरप्राइजेस से। सुनीता मेरी सहेली थी। हाँ हाँ, बताइए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? खिदमत तो मैं आपकी करना चाहती हूँ, मैं आपको सुनीता और अंजना के कातिल के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। आपका मतलब है आप मिस्टर राज मल्होत्रा के बारे में बताना चाहती हैं? जी नहीं, राज मल्होत्रा कातिल नहीं है। मेरे पास कुछ ऐसी चीज है जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, उसे देखकर आपको मुझ पर यकीन हो जाएगा। और वो चीज क्या है? नहीं, मैं इस वक्त आपको कुछ नहीं बता सकती। इस वक्त मैं ऑफिस से बोल रही हूँ, शाम को मैं घर पर पहुंचूंगी, आप मुझे वहीं पर मिलिए। मेरा पता नोट कर लीजिए, 504 सेशेल वर्सोवा अंधेरी। ऑलराइट, मैं शाम को वहां पहुंच जाऊंगा। थैंक यू। श्रीवास्तव। यस सर। शाम को हमें एक जगह जाना है, शायद हमें कोई सुराग मिल जाए। Oh, my God.
आइए बैठिए। थैंक यू। क्या लेंगे आप लोग, चाय या कॉफी? जी नहीं, तकल्लुफ की जरूरत नहीं। मैं सब ये जानने आया था कि वो चीज कौन सी है जिससे ये साबित हो जाएगा कि राज मल्होत्रा खूनी नहीं। बताती हूँ। वैसे ये सबूतों से ये जाहिर नहीं होता है कि राज मल्होत्रा ही खूनी है, कोई और भी हो सकता है। वो चीज क्या है? ये चाबी का गुच्छा। इसमें एक चाबी हमारे ऑफिस की है, एक अंजना के घर की और एक राज के फ्लैट का। ये, लेकिन ये चाबियों का गुच्छा क्या साबित करता है? ये मिला कहाँ से आप? ये मुझे इसी लिफाफे में मिला जिसमें अंजना के कुछ लेटर्स और फोटोग्राफ्स भी हैं। ये फोटोग्राफ्स हम चारों फ्रेंड्स का है। ये है हमारे एक प्ले का जो हमने ऑफिस के एनुअल फंक्शन में किया था, और ये फोटो है राज का। लेकिन इसमें इन सब चीजों में मुझे तो कोई खास बात नजर नहीं है, आपको कुछ नजर आई? खास बात है, बात यह है कि ये लिफाफा मेरे हाथ कैसे लगा और इसमें सारी चीजें आई कैसे जो अंजना के घर से मिलना चाहिए था। एक्सक्यूज मी, मैं जरा फोन देकर आती हूँ। हेलो हेलो हेलो, कोई बोलता क्यों नहीं? हेलो हेलो, ये गई कहाँ? जीवा जी, देवा जी, आप ये इंस्पेक्टर भारत हियर। व्हाट, इतनी पुलिस का बंदोबस्त होते हो, भाग कैसे गया वहां से? क्यों, कितना टाइम हो गया भागे हुए? आधा घंटा। एंड यू आर इन्फॉर्मिंग मी नाउ? चारों तरफ नाकाबंदी कर दो, उसे बचना नहीं चाहिए। ही शुड नॉट एस्केप। ओके, आउट। शिट, व्हाट हैपेंड सर? क्या राज मल्होत्रा भी फरार हो गया? हमारे वहां से निकलते ही वहां से। श्रीवास्तव, इसका मतलब वो सर की असली कातिल वही है और ये लड़की हमें बहकाने की कोशिश कर रही है। शिवा जी, मिस जेबा, शिवा जी, सर कहीं वो लड़की भी तो फरार नहीं हो गई? सर,
I just can't believe. कातिल हमारी मौजूदगी में ये सब. मैं उसे छोड़ूंगा नहीं श्रीवास्तव. I will not spare him. ये मेरे हाथों से बच नहीं पाएगा श्रीवास्तव. मैं I will not spare him. सर, हमने चारों तरफ नाकाबंदी करवा दी है लेकिन राज अभी तक हमारे हाथ में नहीं आया. मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो गया तो कहां गया. बात ये भी समझ में नहीं आ रही कि राज आखिर जेबा को क्यों मारना चाहेगा. जेबा तो उसे बचाना चाहती. सर, ये भी हो सकता है कि ये सब कुछ वो राज के कहने पर ही कर रही हो और बाद में राज ने उसकी जुबान बंद करने के लिए उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया. श्रीवास्तव, और इसका क्या, ये चाबियों का गुच्छा, ये तस्वीरें और ये खत. हो ना हो श्रीवास्तव, इन चीजों में कोई ना कोई बात छुपी हुई है, कोई ना कोई सुराग जरूर छुपा हुआ है. ये खत उसकी बीवी ने उसे तब लिखा था जब राज एक महीने के बिजनेस टूर पे गया था और उसने लिखा था. Yes. श्रीवास्तव, मुझे पता चल गया कि कातिल कौन है. श्रीवास्तव, मुझे पता चल गया कि कातिल कौन है, उसका अगला कदम क्या है. इंस्पेक्टर भारत हियर. हेलो हेलो, मुझे बचा लीजिए प्लीज प्लीज, वो मुझे मार देगा. Who speaking? बॉबी, मैं बॉबी बोल रही हूँ. 36 कैलाश अपार्टमेंट, 7 बंगला. Oh my. श्रीवास्तव, मैं साथ आता हूँ. मिस बॉबी, आप ठीक तो हैं? मैंने इसे मार दिया. ये मुझे मारना चाहता था लेकिन लेकिन मैंने इसे मार दिया. साहब, यस सर, एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी से. ओके सर. इसमें जाना भी बाकी है, इसका जिंदा रहना बहुत जरूरी है. आप एक वैश्य कातिल को बचाना चाहते हैं? जी नहीं, वैश्य कातिल को तो कानून सजा देगा. मैं तो सिर्फ आपको इस इल्जाम से बचाना चाहता था. बाय द वे, ये बताइए कि ये सब हुआ कैसे. अब मैं क्या बताऊं इंस्पेक्टर, पता नहीं कैसे ये मेरे घर में घुस आया. मैंने इसे जाने को कहा लेकिन लेकिन इसने एक चाकू निकाल लिया. मैं घबरा गई इंस्पेक्टर. ये मुझे मार डालना चाहता था, ये मुझे मार देना चाहता था इंस्पेक्टर. इसने अंजना, सुनीता और ज़ेबा को भी मार दिया और अब वो मुझे मार डालना चाहता था. लेकिन उसने खुद कबूल किया कि उसी ने ये तीनों कत्ल किए? नहीं, लेकिन तीनों कत्ल एक धार वाले चाकू के साथ किए गए हैं और इसके हाथ में भी वही चाकू था. ये भी तो हो सकता है कि वो छुरा उसने सिर्फ डराने के लिए दिखाया हो और ये भी तो हो सकता है कि वो तीनों कत्ल उसने ना किए. ये कैसे हो सकता है? इससे पहले भी तो राज के घर से खून से भरा हुआ ओवरकोट
और चाकू बरामद हो चुका है। हो सकता है मिस बॉबी की वो कोट और वो खंजर उसके घर में किसी और ने प्लांट किया हो। ये देखिए, ये है वो चाबियों का गुच्छा जिसमें से एक चाबी राज के घर की है, और मुझे पूरा यकीन है कि इसमें से एक चाबी आपके घर की भी है। क्या क्या मतलब? मिस बॉबी, ये वो लेटर है जो राज की पत्नी अंजना ने राज को उस वक्त लिखा था जब राज एक महीने के बिजनेस टूर पे बाहर गया था। इसमें कुछ इस तरह है कि बॉबी आजकल मेरे साथ रह रही है, हम दोनों हर वक्त तुम्हारी बातें करते रहते हैं, वगैरह वगैरह। तो जाहिर है कि उस घर की चाबी आपके पास रहती होगी। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कहना यह चाहता हूं मिस बॉबी की ये एक तस्वीर है जिसमें चार सहेलियां हैं जिसमें से तीन मारी जा चुकी हैं। ये उस नाटक की तस्वीर है जो आप लोगों ने खेला था उस ऑफिस के एनुअल फंक्शन में, याद है आपको? आपने मर्द का रोल प्ले किया था दाढ़ी मूंछ लगा के, जिसमें आप बिल्कुल पहचान ही नहीं जा रहे। ये सब आप मुझे क्यों दिखा रहे हैं? ये सब आपको इसलिए दिखा रहा हूं मिस बॉबी क्योंकि इसकी अहमियत मुझे समझ में आ गई, शायद ज़ेबा को भी इनकी अहमियत समझ में आ गई थी। ये चीजें आपके ऑफिस से, आप ही के ड्रॉर से बरामद हुई, आपके ड्रॉर से, इसीलिए आपने ज़ेबा का मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया। ये तीनों खून आपने किए, आपने। मैंने? ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने कोई खून नहीं किया। आपने खून नहीं किया मिस बॉबी, तो फिर और किसने किया? आपको कैसे पता चला कि तीन खून हुए हैं? अभी अभी आप ही ने कहा था ना, जबकि ज़ेबा को मरे हुए महज एक घंटा हुआ है और आपको इतनी जल्दी इंफॉर्मेशन मिलती? जबकि इस बात की इंफॉर्मेशन या तो पुलिस को होनी चाहिए या तो उसको होनी चाहिए जिसने कत्ल किया है, और ये कत्ल आपने किया है। कातिल आप हैं मिस बॉबी, सिर्फ आप। हाँ हाँ, मैंने कत्ल किया है, वो तीनों खून मैंने ही किए हैं। क्योंकि मैं रात से प्यार करती थी, बहुत प्यार करती थी मैं उससे, लेकिन उस अंजना ने राज को मुझसे छीन लिया। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने उन दोनों के बीच में झगड़े करवाए। अंजना राज को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थी, इसीलिए मजबूरन मुझे अंजना को मारना पड़ा। मैंने सोचा था अंजना के बाद राज मेरा हो जाएगा, लेकिन नहीं, वो सुनीता की बाहों में जा गिरा। इसीलिए मुझे सुनीता को भी मारना पड़ा। आपने मिस्टर राज को क्यों मारा मिस बॉबी? आप तो उससे मोहब्बत करती थी। हाँ, मैं राज से मोहब्बत करती थी, लेकिन वो मुझसे नफरत करता था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि मैंने ही अंजना और सुनीता का खून किया था। जब वो यहां आया तब तुम? हाँ,
मैं। ये छुरा यानी कि तुमने ऐसा क्यों किया बॉबी? क्यों किया तुमने ऐसा? क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ राज, और किसी भी हालत में तुम्हारे प्यार को हासिल करना चाहती हूँ। अगर तुम मेरे नहीं हुए ना राज, तो किसी और के भी नहीं हो पाओगे। प्यार? मेरा प्यार? अरे तुम तो नफरत के भी काबिल नहीं हो बॉबी। तुम क्या समझती हो कि तुम मुझे हासिल कर सकती हो? मुझे? क्या मैं इतना गिरा हुआ इंसान हूं कि मैं उस लड़की से प्यार करूं जिसके हाथ अपनी दो दो सहेलियों के खून से रंगे हुए हैं? ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है राज, सिर्फ तुम्हारे लिए। Because I love you. But I hate you, Bobby. I hate you. मैं तुमसे नफरत करता हूं। नफरत, नफरत और सिर्फ नफरत। राज, अब मैं पुलिस के पास जाऊंगा बॉबी। नहीं राज, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें पुलिस के पास जाने की कोई जरूरत नहीं। मैं खुद अपना गुनाह कबूल करने को तैयार हूं। मैं पुलिस को यहीं बुला देती हूँ। हेलो, हेलो, मुझे बचाइए, ये मुझे मार देगा। प्लीज प्लीज समवन हेल्प मी। हेलो हेलो प्लीज। हु स्पीकिंग? बॉबी, मैं बॉबी बोल रही हूँ, 36 कैलाश अपार्टमेंट, 7 बंगला। हेलो हेलो, आई किल यू, आई किल यू। इस तरह मैंने राज को भी मार दिया। वो राज जिसे मैं बहुत प्यार करती थी, जानते हो? ये सब मैं तुम लोगों को क्यों बता रही हूं? बॉबी, क्योंकि ये सब किसी को बताने के लिए तुम लोग जिंदा ही नहीं रहोगे। मैं आपको आगाह करता हूं, हम दोनों को मारकर भी तुम बच नहीं पाओगी। डोंट मूव, आई विल शूट हिम। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं, मैं तुम्हारी सजा कम करने की पूरी कोशिश करूंगा। आई विल हेल्प यू। तुम्हें कुछ नहीं होगा बॉबी। नहीं इंस्पेक्टर, आगे मत बढ़ना, वरना मैं तुम दोनों में से किसी को मार दूंगी। बॉबी, हवलदार, मत मारना इसे। बस खेल खत्म तुम्हारा। श्रीवास्तव, ले जाओ इस वैश्य दरिंदे को यहां से, जिसे इतना भी नहीं मालूम कि प्यार का दूसरा नाम कुर्बानी है। प्यार करने वाले जान दे दिया करते हैं, लिया नहीं करते।